नौजवान साथियों, इस तरह से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को और चंद्र बरदाई को जब बंदी कर लेते हैं, चंद्र बरदाई के साथ कई सामंतों को अपने साथ गजनी ले जाता है और गजनी में एक सभा लगाकर बोला, सभी यवनों को बुलाकर कहा कि सुनो, मेरा आदेश मेरी बात। वो क्या बोला है हृदय जी? मंडलिक भैया क्या बोला? अरे एक गौरी करी कजरी जेरी बैठे सूरमान, बारादरी को बंगला कहिए और सोले को है दल्लानी, हम 88 की रे बैठक है, अमन खमन की रे चौबारी, और कुरसी कुरसी पर सजा दे मुड़े मुड़े पर सरदार, अक्षर ज्वानी अकेरे मतवाले नंगी सूती रहते तलवार, भारी सवाल लगी अरे गौरी अभी अंदा धुंदर लगो दरबार, जब फरमान भव गौरी को बैठिए धन लयो बोलवाई, अरे पद साय दहली को राजा जालन जल सभा बोलवाई, अरे जब परवाना हौरे गौरी को बैठी दंत लो बोलवाई, अरे पद साय दहली को राजा लाना जल्द सभा बोलवाई, खुले शब्दों में कहा कि दहली पर पृथ्वीराज को बुलाया जाए मेरी सभा में। अरे तेरन लायो भज कर आयो पहुंचो पास पिथौरा राय, कहा भरी सभा में गौरी ने हमसे कहा है क्या मालूम है हमारा, अरे भारी सवारे गौरी बोलबावे मेरे साथ चलो हर साय, होना हर सोई होई के रहे फिर देश ध्यान बिसर न जाय, चौके के पेरथी ठाड़े रे होई गए तुरंत सभा को भय तैयार, अरे आगे हाथे तहां भागत जावे हट हट कर तक घड़ी बरदार, छाती न हार की है बाकी भूप पिथौरा राय, पांच मिनट के आज अरसा में पहुंचे पीछे सभा में जाय, सात हाथ के सिंहासन पर बैठो तू रखन पूरे सरदार, ना आबाद करी अपरथिया ने ना ही कीनी जोर जुआरी, ऊंची गर्दन थी पृथ्वीराज की और सीना चौड़ा था शेर का बबर से, अरे ऊंची गर्दन चौड़े रे सीना गौरी देख गयो रे घबराए, रहे न राजा तुम दहलिया के ताशे ले वो नजर झुकाई, खुले शब्दों में कहा
कि अब तुम दिल्ली के राजा नहीं हो, हमारी बंदी में हो। ये नजर नीचे करो। इच्छा क्या तुम्हारी है सो सब देना साफ बताए। प्रथी बोले तब गौरी से मेरी बात सुनो चितलाए। 17-12 तेरे को छोड़ो अब दे छोड़ी एक ही बार। फिर हम देखेंगे लड़ खेतन में उठे कौन हमारो बारी। अगर हमने तुझे 17 बार छोड़ा है तो तू एक बार छोड़ के देख। अरे भैया 17 की छाई गई है भैया आगे हाल सुनो चितलाए। 17 की छाई गई पेरथी को तो अखियन में जले मसा। पृथ्वी राज की अजुआ के नमे सपनो दीख गौ बैका। गर्दन जब पिरथी की गौरी लोहे जल्लाद बुलाई। जा दुश्मन की आंखें फोड़ो फिर ना हम पूछके डराई। तो देखिए उस नीच नालायक को जल्लादों से खुले शब्दों में कहा कि इस बादशाह की आंखों को फोड़ दो। जो मेरी तरफ नजर उठाता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंखों से शोले धधक रहे हो। क्या किया दे हुकुम जल्लाद बुलाए लियो और आग से लाल सलाख कराई। लला देखो कितना दुष्ट था आज भारत का शब्दाभेदी रत्न उसकी कुदरे खड़े। ये भूप पिथौरा दहली को जाने लड़ने में लो नाम कमाई। अब आज हमारे हाथ लगो निज आंख न से बबलू चैतन्य प्यार। राजकुमार चैतन्य लिखे प्यारे बाकी दो अखियन को देव फुड़ाई। राजकुमार चेतन लिखे प्यारे बाकी दो अखियन को देव फुड़बाई। लाल सलाख भई लोहे की ठासी तुरतर ने नम जा।
चक्का जब लोहू को कर जे बरे पिछोरा राय बरी गरजना नार जैसी सकल कचेरी गई थर्राय जरा न रोए पृथ्वी राजा कहां पर लीनो है दर्द छिपाई बंदी खाने मेरे भिजवाए गौरी भीनो है हुक्म सुनाई कई दिन बीते चैन से जीते लय गौरी ने कभी बुलाई आखिर वासी दिखे उदासी चंद्र कवि सोचे मन माय मन मन सोचे और सकुचावे दिल में एक आवे एक जाय युक्ति एक जय चंद को साफ कहा युक्ति एक जय चंद को जच गई पहुंचे बीचरे कचहरी जाए सूरज देखी चंद्र कवि की बहुत अच्छी सूरत थी सूरत देखी चंद्र कवि की तब गौरी से कई सुनाए मोहमलीन तन छीन बिकल जैसे जीव रही प्यारी घबराई तो कर जोर चंद्रयो बोले हे सुल्तान सुनो चितुलाई उसके संगरे विद्या भी जाय उनसी शब्द की आवाज तासे आप सीख ले विद्या जो हर पल में करे सहाय बेशक भूप हमारे अंधे फिर भी शब्द वेद जे जाय वे विद्या तुम को सिखलावे रण में विद्या करे सहाय खुले शब्दों में कहा कि पृथ्वीराज तो मारे जाएंगे लेकिन सुनो निर्देश दुख की कितनी घड़ी आई दुख की आए घड़ी जब ही तब ही लक्ष्मण को वनसी में पठायो जब घड़ी दुख की आई दुख की आए घड़ी जब ही सुन लो अरे लक्ष्मण सियन को भिजवायो भिक्षुक देखो रूप धरो लंकेशन कोतक आई तुरत दिखलायो चंद बनायो विद्या को मात्र बहान बनो गौरी को काल शीश मड़रायो
ए सूर लड़ा भूख्यारी, बड़े बड़े सूरई रे हाजरी। देते करम ते गगाई, सोई हुई के रहे लीनो प्रति संग लगाई। भैया पृथ्वी राज दिल्ली के आज सब हमें बुलवाए हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वी को भैया आज सब हमें बुल पाए हैं। जिस समय भक्तों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने सभा में जब बुलवाया है, मंत्री को भेजकर खुले शब्दों में कहा कि पृथ्वीराज को मेरी सभा में बुलाया जाए। क्यों? जैतंग ने जो कपट किया उस कपट से भारत की शक्ति को जो बंदी बनाया आंखें फोड़वा दी भक्तों। लेकिन चंद्र बरदाई ने कहा कि हम भी तुझे पृथ्वीराज के द्वारा ही मरवाएंगे। ये तो भोले बाबा ने पहले ही दर्शाए दो। फूटी आंखें न कुछ दिखलावे, केवल दिशा पड़े दिखलाई। भक्तो जब तक आंख है तब तक जहान है, नहीं तो दुनिया वीरान है। आंख गई संसार गई, थोड़ी देर लगी रास्ता में पहुंचे बीच कचहरी जाई। गौरी बोलो पृथ्वी राज से, सुन ले भूप पिथौरा राय। हमने सुनी चंद्र के मुंह से, वह विद्या देव सिखलाए। शब्द वेद के वेदन हारे, वह विद्या त्यार संगई जाए। हम भी भर दई पृथ्वी राज ने, हम विद्या दे तुम्हें सिखाई। चंद्र कवि जो दोहा बोले, जो हिंदू कुल रीति कहाए। दोहा सुने हम बाण चलावे, ऐसी रही समझ में आए। सात तवा गौरी टंगवाए, चौथो दिनों तवा बजाए। तब न बाण चलो राजा को, फिर गौरी ने कई सुनाई। गाए प्रथी बाणन मारे, कैसे देरी रहे लगाए। धनुष फेंके गजनी को दीना, मेरो दे धनवा मगवाए। मेरो तरकस धनवा दे दे, तब हम शब्द दे दे जाए। इच्छा पूरी भाई पिरथी की, तब खुश भय थे पिथौरा राय। फिर से बोलो तबा न बाजो, न दो पिरथी बाण चलाई। जय
क्या भाई वाणी चंद्र कवि की है सुल्तान सुनर चितलाई। गुड्डो यह राजा दहली अब्बाले तुम हो गजनी केरे सुल्तान, केवल भूप भूप की अम्मान है तुम दी जो अपनो रे फरमान। चंद कवि अपिरथी से बोले सुन ले मित्र पिथोरा राय, अरे चारे हाथ चौबीस गज है अंगुल दीने आठ बताय, तहां पर हाथो मोहम्मद गौरी चुपमती पिथोरा राय, अरे तब हर गान भयो रे गौरी को दे पृथ्वी पण चलाए। जब पृथ्वीराज से मोहम्मद गौरी ने कहा जब बाण को चला, अरे भैया शब्द की आवाज हुई क्या हुआ है, गयो गर्दन के पारी हालत लखी जबी रे गौरी की सारे आए रे गए सरदारी। पांच हजार यमन हली डारे तब कभी चंद्र रे कई हरसाई, क्या कंठ कटारी हम त्यारे मारे मेरो देव तुम शीस उड़ाए। नहीं तो दुर्गति अवन करेंगे ताकि व्यथारे कई ना जा, खेचे कटारी चंद्र रे कवि ने पृथ्वी राज्य के दैये मारी। उसी कटारी से रे पृथ्वी ने चंद्र कवि को दिया गिराय, ओ नहार छोई हुई की रे बबलू ध्यान रे बिसर ना जाई। गुड्डू बेटा चेता मई को सुंदर ढोलक रे बजाई, सीताराम लला देखो बैठे मधुर मजीरा रे खनकाई। ब्रजेशु बेटा चेता मई को सुंदर घड़ा रे रोचक गाई, हृदेशु भैया कैसे भरते हैं मई के सरदारी। अंश का ज्ञान के माध्यम से मोहम्मद गौरी पद को दो सुनाई, बबलू चैतन्य नगला सुजान के जो सुरजन के शिष्य कहाई।
प्यारो जूझे पृथ्वीराज तभी से देश गुलाम भयो। भैया जूझे पृथ्वीराज तभी से देश गुलाम भयो। जूझे पृथ्वीराज तभी से देश गुलाम भयो।